So guys, finally landing on Srinagar. Welcome to Kashmir. Habibi! Come to Kashmir. Aussie chhad kaisi lag rahi hai? Jaisa lag raha hai beta. मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी कि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है। ऐसा अगर रेलवे स्टेशन अगर मेरठ में हो तो भाई जन्नत ही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहाड़ों की वादी और सामने पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। फाइनली लैंडिंग ऑन एट श्रीनगर, तो चलो चले चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है 5:43 यानी कि 43। तो मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पे हूँ फिलहाल मैं, और आगे की बात बताऊँ कि अभी हम कुछ दिनों पहले, ज़्यादा नहीं थोड़े दिन पहले, केदारनाथ उत्तराखंड की सीरीज करके आए थे और यार फाइनली कश्मीर। हाँ जी, कश्मीर जहाँ जाने का सपना सबका होता है और आज शायद हमारा भी पूरा होगा, क्योंकि दुनिया में जगह तो बहुत है यार, बट कश्मीर की बात ही अलग है। तो हाँ जी, फाइनली आज कश्मीर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है जम्मू तवी, और अपने साथ तो वो ही अपनी जोड़ी सागर और आशीष। तो गाइस, इस वीडियो में आप हमारे साथ हमारी मौज मस्ती, कश्मीर का हिस्ट्रिकल मतलब जो भी इतिहास है, मतलब यार बहुत अच्छी अच्छी चीज देखने वाले हो। बाकी आप वीडियो को अगर बिना स्किप करे देखोगे तो आपको वीडियो में मजा ना आया तो यार पैसा वापस कर दो हमारा। पैसा ही पैसा होगा। उसी के साथ ट्रेन में आने में अभी हमारी 20 मिनट बाकी है, तो चलो चले चलो। और गाइस फिलहाल सागर भाई भी आगे हैं, और सागर भाई के साथ आया आज मोनू भाई, बड़े भैया, और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या है भैया इसमें? मैं आपके लिए ले आया हूँ बटर पैटीज। ऐसे खाऊंगा, ऐसे ऐसे चाट जाऊंगा सारा खाना, ऐसे ऐसे। वाओ भाई, आप नाश्ता करते जाओ भाई, बढ़िया। कसम से भूख लग रही थी बहुत तेज। खोलो खोलो। सो गाइस फाइनली 1.5 घंटे लेट ट्रेन आई गई। वेलकम टू कश्मीर। फाइनली आशीष हबीबी, कम टू कश्मीर। हा हा। तो जी आशीष भी आ गया है। आगे भाई आगे। उसी के साथ हमारी आज की ट्रिप होती है शुरू। हेलो, पता नहीं 5-6 दिन चलेगी, 7 दिन चलेगी, पता नहीं बिजी किस्त हो गया। हाय गाइस, बंद कर ले, 14 को चलाए ना, बंद कर। Approximately 10 hours later. खड़ा हो जा, जम्मू तो भी आ गया। सागर सागर चल खड़ा हो, स्टेशन आ गया। हाँ। तो जी दोस्तों, फाइनली वी आर हियर जम्मू, जम्मू तवी। फिलहाल अपने बैग वैग उठाते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम जम्मू तवी उतरे हैं, तो जम्मू तवी का मौसम बताऊं भाई, हमारे उधर से तो ज्यादा ही ठंड है, बहुत ठंड है। बर्फ बर्फ तो है नहीं, मतलब ठंड है, यहाँ पे सूखा पहाड़ा फट रहा, मतलब आशीष ठंड कैसी लग रही है? लग रहा है। और गाइस हमारे कुछ बैग ये थे, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग, पांच बैग, छह बैग। इतने बैग तो केदारनाथ में ही रहे थे भाई, सामान ज्यादा है आज। हाँ, बड़े बड़े बैग है, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी बात थे। मोबाइल तो होगा भी, इनको कोई फायदा नहीं। भाई साहब बात सुनो, जड्डा तो यहाँ है लेकिन मोबाइल तो होगा भी, इनका कोई फायदा नहीं है। ये तो आज आज पहली बार है सब भी धोला कवर डाले घूम रहे हैं। नेटवर्क ही नहीं है। और यहाँ से पहाड़ों का व्यू स्टार्ट हो जाता है भाई। सो गाइस फाइनली वी आर हियर उधमपुर जंक्शन, जम्मू में पड़ता है उधमपुर जंक्शन। अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे, उसके बाद बाहर से ऑटो या बस लेंगे। कहाँ के लिए? ट्रैप प्लान करवा के 10-10 रुपए वाले भी लेके चलेंगे। पानी प्लेन उड़ेगा अब हमारे 10-10 रुपए वाले। अभी निकलेंगे स्टेशन से बाहर, उसके बाद यहाँ से बस या ऑटो पकड़ेंगे। कहाँ के लिए? बनिहाल के लिए। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं उधमपुर स्टेशन से, अभी यहाँ से हमें हाईवे पर जाना है जहाँ से बनिहाल के लिए बस मिलेगी, जहाँ से बनिहाल के लिए बस मिलेगी। उसके बाद गाइस हम बनिहाल के लिए बस में बैठेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से ऑटो में जाते तो यहाँ से भी मांग रहे हैं ज्यादा पैसे, 600-700 रुपए।
ज्यादा दूर नहीं, आधा पौन किलोमीटर है, तो पैदल ही चले जाएंगे, उसके बाद बस में बैठ के जाएंगे सीधा बनिहाल। पैसा बचाना तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यस, ये भी बात है, पैसा बचाना तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल ना है, नहीं तो 500-600 रुपए दे दो। टेंशन लो, मैं थारी साथ हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं खींचवा दूंगा बहुत सारा। ठीक है तो फिर करो, मैं सुबह 2 किलो कर लूंगा। एक काम करो, गाड़ी करो। हां गाड़ी करो। अरे नहीं, नू थोड़ी होकर है, पार्टी बदल लिया साला। अभी चलते चलते एक मतलब एक बात बताता हूँ मैं आपको, मुझे और सागर भाई को कुछ ऐसा लगा कि यार इस एरिया में कुछ पानी की कमी है, क्योंकि हमें लगी थी प्यास और भाई दूर दूर तक पानी नहीं था, तो हमने कुछ ऐसा देखा कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दूर दूर से लोग मतलब अपनी बाल्टी लेकर आ रहे हैं, कनस्तरी लेकर आ रहे हैं और यहाँ से पानी भर रहे हैं, मतलब कुछ लगता नहीं यहाँ पे पानी की कमी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है यार, अच्छी सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे मिल्टन बोतल पानी ऐसे घर के लिए पानी लेने आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही बात। ये देखो गाइस, अभी हमें मिली है ये वाली वैन जो हमें बनिहाल तक छोड़ेगी, 150-150 रुपए में बनिहाल तक पहुंचा देगी। भैया बोल तो रहे थे 200-200 रुपए, लेकिन हमें 150-150 रुपए में बनिहाल तक पहुंचा देगी ये वाली। और आशीष पता नहीं है स्टोरी अपलोड कर लग रहा, सागर भाई चाय वाय लेने गए हैं, क्योंकि ये वाले भैया है ना तो 120 किलोमीटर यहाँ से बनिहाल, मतलब उधमपुर से बनिहाल जो है वो 120 किलोमीटर है, तो भैया कह लेंगे चाय वाय पी लो अपना कुछ, अगर रास्ते में ना मिले तो पता नहीं यहाँ पे सागर भाई क्या लेने गए हैं, उसके बाद चलते हैं बनिहाल। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बिना स्किप करे ब्लॉग को देखते रहो। और कुछ ये वाली हमारी गाड़ी मान लो, बस मान लो ये वाली थी जिसमें हम बैठ कर आए, हम तीनों ही बस, इतनी बड़ी उसमें, इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। आ गया आ गया है, दूध पी ले सागर भाई, तो कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? उत्तराखंड से अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, और बर्फ में जाने के बाद तो और अच्छी आ जाएगी। मेरे तो जट्टे हाथ डर रहा है, उस मोमेंट का इंतजार है, देखते हैं बर्फ। So guys, अभी पहुंच चुके हैं बनिहाल, बनिहाल रेलवे स्टेशन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी कि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है। क्यों आशीष, सागर कैसे कैसे लगता है? सरकार की वजह से है जो भी कुछ है। और भाई मतलब चलो अच्छा है, रेलवे स्टेशन है ऐसा, अगर रेलवे स्टेशन अगर मेरठ में हो तो भाई जन्नत ही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहाड़ों की वादी और सामने पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। सागर भाई को टॉयलेट में जाना अभी, टॉयलेट आ रहा बहुत तेज है। ये वाली कुछ ट्रेन है हमारी जो 3:15 पे यहाँ से निकलेगी, फिलहाल का टाइम हो रहा है 12:45, 1.25 घंटा वेट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद लाइक मेट्रो जैसी ट्रेन है, इसमें बैठ के हम जाएंगे सीधा श्रीनगर। फिलहाल हम यहाँ पे खा रहे गुड़ बनिहाल में बैठ के ट्रेन में। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी हम बैठे हैं यहाँ की लोकल ट्रेन में जो कि बनिहाल से सीधा श्रीनगर उतारेगी, तो एंजॉय कर रहे हैं मूंगफली को और गुड़ को। इधर सागर भाई कैसी लग रही है? जबरदस्त जड्डे में मस्त। राशीष अभी नहीं छेड़े, यूं कह रहा मुझे अभी ना छेड़ो, मैं अभी काजू खाने में व्यस्त हूँ, मेरे बाले में थाने था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो वाला मीम है। और गाइस अभी हमारे पास में है अमान भाई, जिन्होंने मतलब अभी कश्मीर का पूरा स्टेटस बताया है कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो, मतलब हमें ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जितने हम लोकेशन लेके आए थे उससे ज्यादा भाई ने बताया, तो भैया को भी हम मूंगफली टेस्ट करा रहे हैं अपनी यहाँ की। भाई मतलब जैसे गुलमर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे स्नो मिलेगी हमें? हाँ, स्नो तो मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, बहुत अच्छी। बस इसे डुबोना हमें, मैं तैयार हूँ डूबने के लिए, बचा ले भैया ना, फिर इसे काजू खा के जिंदा कर देंगे हम। काजू तो कहाँ, बहुत काजू है, बहुत काजू है मैं खाने के लिए। अच्छा, और क्या करने के लिए? वो So guys, अभी हमारी ट्रेन भी चल चुकी है बनिहाल से श्रीनगर के लिए। चक्कर कुछ ये बताया गया है कि ये जो ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक बनिहाल से श्रीनगर तक का, ये इंडिया के टॉप 10 खूबसूरत रेलवे ट्रैक में आता है, तो यार हम भी देखेंगे कितनी खूबसूरती इस ट्रैक पे। खूबसूरती की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कश्मीर का नाम आते ही जो सबसे पहला ख्याल आता है वो वहाँ की खूबसूरती को लेकर आता है। बनिहाल जम्मू से लेकर श्रीनगर तक के 120 किलोमीटर की रेल यात्रा में आपको काफी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे।
दिसंबर के महीने में बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक के रेलवे ट्रैक पर फुल बर्फबारी होती है और पूरा रेलवे ट्रैक बर्फ से ढक जाता है। अभी पहुंच चुके हैं कश्मीर श्रीनगर। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो लास्ट मंजिल तो हमारी यही थी। खैर जो मेन डेस्टिनेशन है वो है हमारा स्नोफॉल, बर्फबारी। फाइनली गाइस हमें मिल चुकी है डलगेट की बस, जो कि 15-15 रुपए में डलगेट पे जाती है। हमारे बैग सबसे ऊपर रखे जा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे हम रूम की बात कर रहे हैं। ये हमारे रूम के लिए चिपट गया है कि हमारा ही रूम लो, हमारा ही रूम लो। और हम कह रहे हैं हमारे बजट से बाहर है। ये बोल रहे कि तुम हमारे गेस्ट हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। सील बोल रहा है कि नहीं नहीं इतना महंगा हम रूम नहीं ले सकते, पर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखो क्या बात होती है इनकी। अभी तो हर डिसाइड कर रहे हैं रूम लेना है नहीं लेना है। सील क्या डिसाइड हुआ? अरे यार बजट में नहीं रूम, हम 5-6 हज़ार के बता रहे हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के डल गेट पे। अभी हमें जाना है डल झील में। तो बस से उधरते एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने बताया रूम वूम का रेंट वेंट भाड़ा वाड़ा बताया। तो भाई उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बता दिए थे, 5-6 हज़ार बताए थे। वो तो थोड़ा सस्ता करवाया हमने, 1000-1200 करवा लिया, मतलब 3 जनों का। उसके बाद ये बता रहे कि शिकारे में अगर आपको डल झील का नज़ारा देखना है, मेरे बराबर में जो देख रहे हो डल झील है, रात के व्यू में आपको अभी दिखाऊंगा बाकी। उसके बाद जब घूम के भाई सीधा जाएंगे गुलमर्ग 2 बजे। शिकारा खाली आप 8 बजे रहेगा तैयार, 8 बजे स्टार्टिंग हो जाएगा, 9-10, 10:30 हो जाएगा शिकारा का टूर पूरा खत्म। तो जी फाइनली पहुंच चुके अपने रूम में, रूम टूर में। तो सुबह सुबह उसके बाद भाई आज शाम को 12 बजे सागर भाई का बर्थडे स्टार्ट हो जाऊंगा। अरे खोल दे चिटक, नहीं अभी भी लोग स्टार्ट हो रहा इसको चिटक खोल दे इसको चिटक बहुत पिटेगा। अगर आप कितना बंद करी तेरा नाश था दूं मैं सागर पकड़ी। तो भाई जी इसको चिटकनी बंद कर देंगे लग रही, क्योंकि मुझे आ रही नींद यार बहुत जल्दी। तो जी चलो आज के लिए इतना ही। बहुत है परेशान हो गया, मुझे डर लग रहा। रुक जा, आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय। हाँ सर।